हेलो गाइस, आज है डे 3 मेरा उत्तराखंड में। ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आज मैं जा रही हूँ एक ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पर ना तो नेटवर्क काम करते हैं और ना ही कोई मॉडर्न चीज है, बस सुकून है। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स करके बताना कैसा लगा। ओए लखनी, अरे तू सुबह नीतू से बात कर रही है? तू की बात कर रही है उससे जब वो मेरी नीतू हो? तो बहन अच्छी बात है, नीतू नहीं है तो तू। अरे मैं अभी तो उठाऊं, देख तू नहीं है तो दीदी अपने आप टाइम से तैयार हो गई है। कितनी अच्छी बात है, देख कितना इम्प्रूवमेंट आया उसमें, मतलब उठाना नहीं पड़ा भाई, देख कितने टाइम से तैयार हो गई है। तू मुझे उठाती हो नीतू? मैं तुम नहीं हूँ। और पता है कितने बजे सो रहे? 9:30 तक रोज। अरे यार तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो भाई, इन्हें क्या पता मुझे नीतू के बिना नींद ही नहीं आ रही है। मैं सोता ही नहीं हूँ, सुबह 6 बजे आँख लगती है मेरी। तूने मंशन देखी है? नहीं, क्यों? उसका एंड सीन देखा है? नहीं, मुझे ना फिर पूरी रात में ऐसे रहता हूँ, नीतू 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 ऐसे करता रहता हूँ मैं। मेरे रूम से आवाज आती है। मैं भी बाय। सुनो लखनऊ, हाँ तुम 9:30 बजे मत उठा करो यार, पूजा कर ली तुमने? अब नहा के करूंगा ना। नहा लो जल्दी। हाँ ठीक है। 10 बजे कौन सी पूजा होती है? या वो बनाना शेक। हेलो गाइज, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। हम लोग जा रहे हैं नदी पर जा रहे हैं और हम लोग वहां पर जाके सुकून में बैठेंगे और आप सभी को दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। आलस आ रहा है यार, नहाने का मन भी कर रहा है बट मैंने आपको बताया ना, ऐसा लगता है कोई शक्ति खींच रही है। सेम ऐसे ही लग रहा है दोबारा से यार, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं प्रो होता जा रहा हूँ आलस में। नहीं यार टैडी भी सो रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। नहाया जाए भाई, और आपको दिखाता हूँ वो जो टी शर्ट, ये है भाई, वो अभी पहन के दिखाऊंगा आपको, जो मेरी खो गई थी फिर बहुत टाइम बाद मिली। कैसा लग रहा है? नहीं तो थोड़ा हम डिफरेंट टाइप का वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं फैशन में, गेट रेडी विद मी। तो ये देखो, लेकिन व्यू देखो आप, लेकिन यहाँ का कैमरे का बस डर लग रहा है मेरे को, कुछ हो ना जाए कैमरे में, क्योंकि भाई क्या है ना, जो पत्थर है ना इसमें बहुत चिकनाहट है तो पैर स्लिप होता है, क्योंकि इसमें काई जमी होती है ना, ये स्लिप करता है बहुत। मैं जा रहा हूँ अब नहाने। पानी तो कैसा लगा? शांति कितनी मिल रही है ना पानी की आवाज। मछली दिखेगी अभी आपको यहाँ पे। आजा 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 आराम से। दोनों नहीं गिरे, ड्रेस गिरी हो चुकी है गाइस, बहुत ही ज्यादा स्लिपी है। क्या गया? क्या मुझे लगा कैमरा गया और तू भी गया। ये सूट बड़ा भारी है मार के। अच्छा भैया क्या रहा? भैया के साथ परिणाम। वाह, अब तो मैं देखूंगी तूने क्या टेक्स लिए हैं। चलो देखी नहीं? नहीं, मैं पार्टी लेकर आए थे ताकि हम यहाँ का थोड़ा पानी लेकर जाएं, लेकिन इतनी हमारे में वो नहीं है। चलते हैं वापस भैया, चले वापस भैया। गिरते गिरते बचे 2-3 बार। चलो भैया। भैया अगर एक बारी भी हम गिर गए ना कुछ तो फूटेगा। लीजिए भैया, भाई आप चलो चलो चलो, इस पर नहीं कर रही हूँ। भाई लखन ने टास्क दे रखा है सैंडी को कि हर एक व्लॉग अच्छा सा होना चाहिए, शूट अच्छा होना चाहिए। बाय बाय, कल मिलते हैं। 360 होता है, 350 क्यों कह रहा है? अबे 350 तो बोला है तूने, 350 बोला है।
हर जगह खेत ही खेत ग्रीनरी है। ये तो मुझे पता ही है। और एक चीज़ बता दो, ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ये हम लोग आसाम गए थे तब हमारे एक सब्सक्राइबर ने दी थी हमको। हाँ। मुझे, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन आपने मुझे साइज स्मॉल दिया है जो कि बहुत लूज है। मैंने शिट, मैंने पिन करी हुई है और मेरी पिन खुल चुकी है। What? तो भाई संडी पिन हटाइए, खुल गई है। तो ये मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है वैसे तो, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पतली हूँ। मोटी नहीं हुई, तारीफ नहीं कर रही हूँ बट ये कोई तारीफ वाली बात भी नहीं है। सेफ्टी विन ओपन कर दे भाई। सो गया। कैमरा इसकी जान से भी ज़्यादा प्यारा नहीं? कैमरा इस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे तो भाई अपनी फैमिली को कैसे दिखाएंगे हम लोग, ये बता। अगर ये शॉट नहीं लिया तो लगाना है? नहीं नहीं नहीं, ओपन कर दे भाई, कोई नहीं, लूज ड्रेस ही ठीक है। मेरी पिन लग गई है हाथ में, दिखा कैसे लगा रखी है। भैया ने ज़बरदस्ती लगाई है ताकि खुल ना जाए। हाँ फेंक दे। तो ये थोड़ी सी लूज है ड्रेस लेकिन बहुत ही प्रिटी है। बाकी आज मैंने अपना गेट रेडी किया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा ठंडे पानी से फेस वॉश करके, आँखों में पानी डाल के। ठंडा पानी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और मैं ट्राई करूँगी यहाँ पर आके नहाऊँ। अलग ही यार, मैं अपना टेंट नहीं लेकर आई, वहाँ पर चेंज भी कर लेते हैं ना। हमारी गाड़ी देखो कहाँ लगी, एक तो वहाँ है एक वहाँ है। इतना दूर हमें चल के जाना पड़ा वहाँ तक, लेकिन बड़ा ही मज़ा आया। आज तो थकी भी नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। ये आ गया वापस, वेलकम बैक। पहला कैसा घास काटमा गा, घास काटम छा बहुत लगा नहीं लगा वो। देखा कितनी पहाड़ी आती है मुझे ले। ओ, ना भी नहीं आए, शूट कर भी आए, हर जगह घास ही घास कट रही है भाई। घास नहीं सॉरी, धान, धान या गेहूँ। अच्छा तो उनको काटना पड़ता है। ओके, बहुत ही सुंदर लग रहा है वैसे नहीं ये व्यू। तो कार अब लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर खुशबू आ रही पुदीने की है ना भाई। यहाँ पर जिसका भी घर है ना वो बहुत लकी है कि जैसे लोग शहरों में क्या होता है पुदीने का उगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे रस्तों में ही उगा मिल जाता है नेचुरल। मैं आपको दिखाऊंगा। आंटी से पूछ, मतलब यहाँ से वॉक करते हुए ऐसा लग रहा है पुदीने की चटनी बनी है कहीं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आ गई है अपनी कार, बैठते हैं चलो। हम लोग आ गए हैं घर पर वापस, अब देखते हैं घर पर क्या बना है खाने को। देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। अलग ही होता है यार खाने का। तो पनीर की सब्जी के साथ रोटी जबरदस्ती खिलाई जा रही है, मैं गेहूँ की रोटी नहीं खाती हूँ, कोई पता है। हेलो, क्या कर रहे हो? हमारी दीदी आई है काफी दूर से हमसे मिलने, उनके दो बच्चे आए हैं। हेलो बोलो भाई। ये रास्ते में उल्टी हुई करती आई है ना ये लड़की, है ना। और ये दोनों रो रहे हैं काफी दिनों से, भूत जैसे निकाल ले। तो दीदी बोल रही है जीजू ने मिठाई दी है मेरे लिए, स्पेशल मिठाई लखन के लिए, है ना। लखन के लिए, मैं खोलना दिखाओ मम्मी क्या दिया है। दीदी बहुत दूर से आई, दीदी कहाँ से आया? देघाट से। बाल मिठाई हमारी फेमस और मेरी फेवरेट बाल मिठाई, सबसे अच्छी मिठाई मेरे को बाल मिठाई लगती है। मतलब मुझे इतनी पसंद है, मैं कोई मिठाई, मुझे वो भी बहुत पसंद है जो मम्मी बैंगलोर से आप लेकर आते हो, कौन सी है वो? मैसूर पाक भी अच्छी लगती है, लेकिन बाल मिठाई का तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ भाई, तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? मुझे बाल मिठाई। और तुम दोनों को? तो ये देखो, ये सिंदूर लेकर आई है मेरे लिए और बिंदी लेकर आई है, कहती है कि मैं तेरे लिए क्या ही लेकर आती, बट कह रही है इसको इसको पहाड़ी में बोलो क्या बोला आपने? सिंदूर नहीं, इसको खेतना नहीं, वो सब बोलो। हाँ, गिराना मत इसको पहाड़ी में, इगी खेते झंडी में मांगम सजाएगी कि मैं हम प्यार छो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी दिख रहा है, शीशा सूखा है क्या? हाँ सूखा वाला है, छोटा छोटा प्यार, प्यारा प्यारा प्यार ही अच्छा लगता है बस, और क्या ही चाहिए, है ना। हाँ।
गाइस अपना दिल्ली वाला काम निपटा ही रहा था मैं कि मुझे पता चला अरमान भाई भी इधर ही हैं। ओह भाई बहुत ट्रैफिक है यार। ओह हो भाई मेरी जान चश्मा वश्मा ला के अलग से एक सुपरस्टार वाली भाई आ रही है। अरे नहीं नहीं मेरी जान है ये। कैसे हो? मैं देखो मैं इससे नई चीज सीख रहा हूँ। मैं भी कैमरा लेके घूमा करूंगा। ये मुझे उस बड़े कैमरे से छोटा मजेदार लग रहा। नहीं ये आवाज क्या पॉकेट वॉकेट में डाल दो। आवाज ओके रिपोर्ट। हाँ अभी देखना। अरे क्या बात है, इसमें लैपटॉप वगैरह की जरूरत भी नहीं है। तो अभी हम लगवा देते हैं भैया कृतिका से भी। कृतिका गाड़ी में बैठी है। तो भाई हम पहुंच गए हैं। हेलो और जी कैसे हैं आप? भैया का GoPro एकदम बढ़िया। यार अरमान भाई ये सही है, फोन से अच्छा है, क्वालिटी आ जाती है और अजीब भी नहीं लगता। मैं भी एक घर जाते हुए अपना निकालता हूँ GoPro। ठीक है गोलू, मैं भी ऐसी लेके थी ना। तो गाइस मैं भी अपनी व्लॉगिंग में पाल के साथ मैं ऐसी करूंगी। मुझे बड़े पसंद है कैमरे अलग अलग चलाना, तो ये बहुत ही ज्यादा कूल लगा मुझे। कहीं पे भी शॉपिंग करूं और व्लॉगिंग करूं। तो आई मिस यू नीतू, मैं तुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं मेरी जान। उत्तराखंड में है तो भाई। तो भैया ये हेलो मैं बढ़िया। वो एक अच्छा हरिंदर भैया वो बॉक्स है ना वो जूतों वाला वो ले आओ भाई। सही टाइम पे रख लाया मैं, वो एक्सचेंज नहीं हुए। उसने अरमान भाई अब तुम जाम लगवाओगे यहाँ है ना, अब देख लो तुम। गाइस देखो कंटेंट ज्यादा बनाने के लिए एक ही गिफ्ट दो दो बार देते हैं हम। क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस हमारा काम खत्म हो गया, हमने लंच भी कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी मामी के घर, कली के घर, जो कि यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, उसके भी ऊपर है। हाँ मतलब हमें कम से कम लगेगा वहाँ पर जाने में आधा घंटा। तो अब हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे। चले पहुंच गए हैं मामी के घर में। अपनी पानी की बोतल कहीं नहीं भूलती हूँ। और कुछ ऐसा रास्ता है, रास्ता है नीचे दिखा। हम कितना ऊपर चढ़ गए हैं, हम बहुत ऊपर चढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। ले बोतल पकड़ मेरी। अब मुझे ऊपर चढ़, एक बारी मैं यहाँ पर गिर गई थी, मतलब गिरने ही वाली थी, लेकिन पहुँच गए हैं। मामी को नहीं बताया कि हम लोग आ रहे हैं। और मम्मी मेरे पूरे रास्ते बेइज्जती करती हुई आई कि तूने मंगलसूत्र भी एक पहनना चाहिए था, तूने सिर्फ ये पहना। और हंसते हंसते आए सैंडी और मम्मी। तो चलो ये है मेरी मामी और इनकी मुर्गियाँ। हेलो मामी। हेलो मामी, नमस्ते। और ठीक हो? कैसे हो? बढ़िया। वो है ऊपर? नमस्ते। हरी हाँ, देखो ये है इनका घर। यहाँ पर ऊपर जाते ही हाँ हम सबसे पहले अपनी मामी के घर पर रुकेंगे। यहाँ का छत का व्यू ही कुछ और है। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर अभी बाघ बहुत ज़्यादा घूम रहा है और बिल्कुल भी सेफ नहीं है रात में बाहर निकलना। इसलिए सबको बोला गया कि बाहर नहीं निकलना। हम लोग चले ऊपर। मेरी मामी का घर है वो, है ना? वही है ना, मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं भूल गई हूँ। 2 साल बाद आ रही हूँ, ऑफकोर्स भूल ही जाऊँगी। लेकिन उत्तराखंड में जो भी रहता है वो पतला इसलिए रहता है क्योंकि वो बहुत चढ़ता है, और जो पतला नहीं होता समझ लो उनको कोई ना कोई बीमारी है। अच्छा ये जो नल है ना, बहुत ही ठंडा पानी आता है। और यहाँ पर सारे मेरे नानी के खेत हैं, आम का पेड़, बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं नानी के। हेलो सैंडी, हाय, आजा, वेलकम वेलकम। बोला जा रहा है मामी घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, नानी तो होंगी, बच्चे तो होंगे, कोई तो होगा। नानी नानी हेलो नानी, ये है मेरी नानी। कैसा? नमस्ते। ठीक छो? मामी कछु मामी मामी, अरे ये आ गई है हमारी कली। इधर आओ,
अरे 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 हाय हाय बेबी हाय 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 ये ना कल ही नया कुत्ता पाल लिया नहीं वो मर गया था अरे उसको फिश के कांटे दे दिए थे वो बेचारा मर गया ये जी तो ये है मामी का घर ये घर सबसे बढ़िया लगते हैं पुराने जमाने वाले ना पुराने टाइप के और यहाँ पर ठंडक होती है ठंडा में गर्म होता है गर्मी में ठंडा होता है हाँ कुछ पंखा चलाने की नहीं कोई नहीं ये है गाइस पेड़ जिसको बोला जाता है अखरोट का पेड़ यहाँ से इनको ड्राई फ्रूट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती अखरोट तो यहाँ पर आ ही जाते हैं गेहूँ वगैरह रखते हैं ना तो उसमें अखरोट के पत्ते डाला करते हैं जब गेहूँ अच्छा ताकि कीड़े ना लगे तो ये सारा मेरी नानी का सब कुछ एवरीथिंग ये वॉशरूम है ये तो इंडियन वेस्टर्न बना रखा है इंग्लिश टॉयलेट नॉट बेस्ट इंग्लिश टॉयलेट बना रखा है और आगे अगर यहाँ पर नया बछड़ा हो रखा है कितना प्यारा है गॉड बस ये मारे ना लात कली ये उसकी मम्मी ने मुझे पीछे पलट के देख लिया हेलो हेलो मेरे पहले नाना के पास 100 बकरियां थी 100 से भी ज़्यादा फिर जब मेरे नाना की डेथ हुई उसके बाद कम कर दिया आए भैंस सब है तभी तो नानी मामी हमेशा मुझे मम्मी को घी देती हैं बना के फ्रेश मामी का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पर है लेकिन कितनी सुंदर गाय है यार है ना बीच आ चुकी है मामी हेलो बोलो सब हेलो बोलो हेलो कली 3 महीने में कोई गुड न्यूज मिले के द्वारा एक गुड न्यूज गांव में पिटी नहीं तू गांव में पिटी आखिर बोल चो नीचे जब भी मैं मिलती हूँ ना मामी से हम दोनों सिर्फ यही बातें करते हैं गुड न्यूज की तो आप बताओ आपको किसकी गुड न्यूज चाहिए पहले मामी की या फिर मेरी मैं तो अभी छोटी बच्ची हूँ नानी बनूंगी नानी आप नानी बनोगे नहीं रिश्ता क्या होगा रिश्ता सोचो कली कली हेलो बोलो सबको बेटा कली तो बहुत लंबी हो रही है यार कली को दबाओ थोड़ा जीवन कच्चा भाई हमारी कली इतनी अच्छी है ये हमेशा कुत्तों को पालती है उसका नाम रखा है रॉकी हम बिना बताए आ रहे कैसी आई बिना बताए भाग्य ऊपर कैसी आई भाग्य ठीक है के बनाम छोपे हम उड़ लीजिए तुम मर लीजिए बनो लल्ला की बनाना बताओ जोई भात यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ जब भी पहले मैं आती थी जैसे हम 5 दिन रुकते थे 6 दिन रुकते तो मम्मी डेली झोई भात पहाड़ियों की वो होती है एक डिश है ना झोई भात बहुत ही पसंद है इनको दिल्ली वालों के लिए भाई हम आ गए हैं अब नीतू के मुकोट पे तो अब जा रहे हैं नींबू का अच्छा अरे पेड़ पे पहाड़ी नींबू हाँ बड़े वाले छोटे वाले नहीं माल्टा अलग हो जाता है बहन अच्छा। नींबू अलग होता है माल्टा जैसे होते हैं बट नींबू कहते हैं उन्हें जो पहाड़ों में गुड़ डाल के दही डाल के खाया जाता है वो भाई सब रास्ता देख लो जरा ये डॉग इसका क्या नाम है रॉकी ये कली के साथ ही रहता है हमेशा ये तो गिर मत जाइए पागल है क्या भाई हम कितना ऊपर आए हैं ये व्यू ना हमारा घर उधर है नीचे एकदम उसके भी नीचे सोचो पहाड़ी उधर ये पहाड़ पे मैंने बताया नानी का घर बिल्कुल पहाड़ पे वेल ये मेरी स्टेप नानी है मेरी जो रियल नानी थी जब मम्मी आई थिंक 3 महीने की थी तभी 3 भी नहीं बहुत ही छोटी थी मतलब मम्मी पैदा ही हुई थी तभी उनकी डेथ हो गई थी तो मेरी स्टेप नानी है गिरती ना अभी रॉकी को देख के गुची ब्राउनी की याद आ गई मार जंप काटिए जंप के कूद जा
रास्ता बड़ा शानदार है, कुछ भी क्या ये है भाई पुराने घर, ये किसी का, ये खरीक है, खरीक खरीकता किसका खरीकता है, खरीक होता है जहाँ गाय भैंसों को बांधा जाता था, वो बोलेगी ना पहाड़ी में गोर भैरनी, ना गोर भैरनी, अब तुम देख सकना कि तू भाग संतरे छुए पन पहाड़ी में, नींबू नींबू छु, यहाँ बहुत नींबू है नी, इथा इथा यहाँ की बोल रही है, इथा बहुत नींबू होनी, तुम देखा कतु नींबू, बड़े बड़े नींबू अपने को तोड़ने भाई, तो इधर आना, कांटे भी होते हैं याद रखिए, उसपे है? अबे कांटे हैं नींबू के पेड़ में, कांटे होते हैं बहन, नहीं मुझे ऐसे मत बोलो, मेरा हाथ वैसे भी कट चुका है बहुत बार, तू ही उतार ले, तू ही तोड़ ले, दे मुझे फोन दे दे, तू ही तोड़ा है, कोई कह रही है, चलो सैंडी और कली तोड़ रहे हैं, आ कली बेटा तू भी आ जा, और वो देखो आम का पेड़ है बहुत ही बड़ा, यार ये कितना सुंदर व्यू है, पता नहीं कैमरे से दिख भी रहा है या नहीं, रॉकी छोटे छोटे हैं, छोटे अभी और बड़े होते हैं, तुझे ये तो नहीं पता, तो नकली पहाड़ी तुझे ये तो नहीं पता, देखा ये देखो कली ने कितना बड़ा तोड़ा है, इधर दिखा मेरा बराबर है, ले मेरा वाला बड़ा नींबू, तोड़ के दिखा, सुन मुर्गी बहुत बाघ बहुत फैल रहे हैं, कहाँ कहाँ यहाँ आते हैं नीचे, तुम कितनी बारी देखे, मैंने देखे, झूठ झन बुलाए, मेरे को नहीं देखा, किसने देखा है फिर, अम्मा ने, कितनी बारी, बहुत सी बार देखा है, और मम्मी ने, मम्मी ने पता नहीं, यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं लाइक गाय हो या फिर डॉग्स हो, प्रॉब्लम यही है इनको बाहर छोड़ने का, मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से बाघ आके खा जाएगा, और एक बार मेरी मम्मी बता रही थी कि वो उनके शेल्टर में ही चला गया था और एक गाय को लेके चला गया था, गॉड ये रॉकी निकला मेरे नीचे से, मुझे कौन गया मेरे साइड से निकल के, भूल गई थी एक पल के लिए रॉकी को, सो अभी भी यहाँ पर धूप है, और अब हम बनाएंगे नींबू, नींबू कैसे बनाते हैं, नींबू को काटते हैं, उसमें नमक मिर्ची डालते हैं और डालते हैं गुड़ और दही, इन चार चीज़ों से बनता है नींबू, जो कि पिसा हुआ नमक, जो कि पिसी नूड़ बोला जाता है, मेरी मामी बहुत अच्छा नूड़ पिसती हैं, चीनी, हाँ चीनी भी डालते हैं लेकिन मैं चीनी नहीं खाती ना, इसलिए गुड़ डलवाएंगे, तो ये मेरी मामी जो कि हमेशा चिड़चिड़ी रहती हैं, बेइज्जती नहीं करती, हमेशा मुझे गुस्सा करती रहती है, मैं कह रही बात किए छे किए नहीं, कैसे बनाम छा, देखिए कैसे बनाम छा, क्या रेसिपी बताओ, की गुड़ और गुड़ बुलाम छा, गुड़ बुलाम छा, देखो कुछ ढूंढे मुझे मारने के लिए, सैंडी क्या खाम छा, सैंडी क्या खा ला, तो गु खा ला गुड़, मम्मी मेरे क्या बोलते, मम्मी क्यों उतार रहे हो ये, भला लगा उतार नहीं, वो है देख रहे हो इतनी बड़ी हो गई हूँ, शादी हो गई हूँ, किले मारम छा, पता नहीं पत्नी छू मैं, किले मारम छी, किले मारम छा गलत बात छू, नानी जब मम्मी की शादी हो गई थी आपने मारा था मम्मी को, no. पहले मारा था कितनी प्राउडली बता रही, हाँ हाँ थोड़ी आज को मारो मारो, हमारा मम्मी दगड़ मारे हैं हम को, ठीक है मम्मी, हमारे तुम्हारे मम, मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ, आपने मारा मम्मी को, हमने नहीं मारा, झूठ झन बुलाया, ना नहीं मारा, सच सच बताया, हमारा मम्मी से मारी हम को, हम नहीं मारे, तह जमान अलग अच्छी, तह जमान अलग छी, अब जमान अलग छू, आज तेरी मम्मी मार दो, देखो प्यारा मार रहा हूँ, थोड़ी मारा प्यारा नहीं मारा मैं, गुस्सा मारा मैं, किले की मेरे पहन छू भाई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, नंद भाभी में हुई लड़ाई, नंद भाभी में हुई भीषण लड़ाई, ठीक छू ठीक छू, ये मस्त कैरम खेल रहे हैं यहाँ पर, वाह अरे यार क्यों लड़ाई कर रहे हो यार, यार मोहिनी बहुत लड़ाई करती है यार, अब तू गया बेटा, इससे मार, इससे मारने की सोच, इनकी बातें खत्म नहीं होगी, ठीक है नानी कल मिलते हैं, कल आनू पे, ठीक छू ओके मामी कल मिल लूं, हाँ भाई बोन बोन कल आती हूँ, नमस्ते, मीठा रेबे रखिए, तो भाई इनका कल रिजल्ट है 31 मार्च है, हमारा व्लॉग बहुत लेट है आई नो, बाकी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें वहाँ नीचे जाना है भाई, लेकिन यहाँ के व्लॉग प्लीज
क्या करना है? आप अगर चाहते हो कि हम हर महीने में 4-5 बार आए, महीने में 4 बार मतलब ये लगा लिया मैं ही बस गए एक तरह का। अबे 2 महीने में, 2-3 महीने में, 2 महीने में कम से कम 2 बार आए, मतलब महीने में एक बार। बट मेरी ये विषय कि मैं ब्राउनी और गुच्छी को लेकर आऊँ, क्योंकि सच बता रही हूँ मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे अभी पता चला है, सुन दीदी बता रही थी, पूनम दीदी बता रही थी, और कौन बता रहा था, पुनीत बता रहा था कि जो भी कार्स आ रही है ना, वो बालकनी में बैठ के वो देख रहा है कार्स को कि कौन सी कार्स आ रही हैं, और जैसी बेल बज रही वो भाग रहा है कि मैं तो नहीं हूँ। कल का ब्लॉग बताना हमारा कौन सा आने वाला है, कौन सा, जो हम जंगलों में खाना बनाने वाले हैं। कल हम मॉर्निंग में जंगलों में जाएंगे खाना बनाने के लिए, सुबह सुबह जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा बचपन, जब भी हम छुट्टियों पर आते थे नानी के घर में, ये छत थी, हम इसमें बैठते थे, हम इसमें गेम्स खेलते थे। अब ये छत बन रही है दोबारा से, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेयर्स जाती थी, ये जैसे बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ यार। बट अब मैं भूल गई हूँ कि हम आए कहाँ से थे, सर इधर से आए थे, लेफ्ट। ओके, हर जगह हरे। मेरी नानी का, नानी का ये एरिया ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, स्ट्रॉबेरीज भी हैं। हमारी साइड भी थी, बट हुआ क्या ना, बंदर बहुत आ गए, पहले सब कुछ उतर था। इधर बंदर नीचू, इधर बंदर, बंदर नीचू, बंदर, मम्मी बंदर कहती हैं। और एक व्यू यार बहुत ही सुंदर है। मुझे एक महीना अगर कोई दे देना, एक महीना, तो मैं यहाँ पर रहना पसंद करूंगी। मैं भी बिना फोन के, सीरियसली। बट मेरे साथ गुची और ब्राउनी होने चाहिए, और ऑब्वियसली लखन तो होनी चाहिए, बट गुची और ब्राउनी अगर होना तो मैं एक महीना रुक लूँ यहाँ पर। हम गलत, हम किसी के और, हम अपनी मामी के घर में आ गए थे, हमें नीचे उतरना है। तो यहाँ पर मैं लास्ट टाइम जब आई थी, गिरने वाली थी इस एरिया में, तो लखन ने मुझे बचा लिया था। तो मुझे भी लखन की याद आ रही है, किस तरह लखन ने मुझे रेस्क्यू किया था। जब से यहाँ पर सड़क बनी है, तब से यहाँ पर सब हरियाली आ गई और ज़्यादा, मतलब लोग आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी कार यहाँ तक आ नहीं पाती, इसलिए लास्ट टाइम भी आए थे तब पूनम दीदी का। बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, बहुत इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि पहले, एज वी ऑल नो कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी गांव से लेके मेरी मम्मी की भी, कितना स्ट्रगल मेरी मम्मी ने किया। बट पता क्या है, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि जो भी जैसे फैमिलीज आती थी, हम लोग बस से जाती यहाँ पर आते थे, हमें, हम लोग रात शाम में 7 बजे बैठते थे, और सुबह हमें बस 9-9:30 बजे यहाँ पर उतारती थी। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी ना, बस बीच में रुकती थी, जब रामनगर में या कहीं पर भी, तो वहाँ पर मैं जब सोती थी, तो मैं सोचती मम्मी प्लीज़ पंखा चलाओ। मैं पता नहीं छोटी थी, तो मैं बोलती थी मम्मी प्लीज़ पंखा चलाओ, फ़ैन ऑन कर दो, बंद क्यों करा। तो वो जो एक गरीबी देखता है ना इंसान, और फिर मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपनी एक बहुत ही इमोशनल बातें शेयर कर रही हूँ, कि मैंने बहुत चीज़ें सोची थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, मैंने बहुत चीज़ें करी उनमें से, और मैं कर रही हूँ। तो मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अपनी मम्मी को वो सारी खुद से वो सुविधाएँ दे पा रही हूँ, विदाउट एनी हेल्प। मैं अपनी मम्मी को गाड़ी तक यहाँ पर लेकर आई, वो भी इतनी एक्सपेंसिव कार, जो मैंने इतना एक्सपेंसिव नहीं सोचा था कि मैं इतनी एक्सपेंसिव कार में यहाँ पर आऊँगी और लेकर आऊँगी। यू नो, वो बस से ट्रैवल उस गाड़ी तक, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। तो मैं जब भी वो अपनी गाड़ी देखती हूँ ना अभी भी, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मर्सिडीज़ में मैं यहाँ पर आ रही हूँ, उस गांव, अपने गांव में आ रही हूँ, उत्तराखंड में आ रही हूँ, है ना सैंडी। मतलब कितना प्राउड मोमेंट है ना, हर किसी के लिए, अगर कोई भी इतना अचीव कर रहा है। नहीं यार, बस से उस टाइम, मेरे को आज भी याद है यार, बस से और फिर उस गाड़ी तक का सफ़र, कितने पापड़ बेले हैं, मतलब बहुत मेहनत करी उसके लिए। तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, सैंडी बैठा है आगे। सैंडी कैसा लग रहा है? आगे बहुत ही धक्के मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड बिल्कुल खराब है ना यार, पहाड़ों पे मुझे अच्छा लगता है। और देखो बाहर क्या व्यू दिख रहा है यार, वहाँ जाना है दिव्या को स्कूल, हैं किसको, दिव्या को, नहीं उसको, दीपा को, दिव्या को स्कूल फिर से पढ़ेगी यार, पढ़ के हो गया उसका। तो यहाँ पर पहाड़ी मंडली आई है, हेलो हेलो, मुंह मत छुपा, तेज बोलो ना, हेलो हेलो। हमने मेकअप नहीं किया, इसलिए हम कैमरे में नहीं आएंगे, है ना। बाल मिठाई पसंद है या फिर लड्डू पसंद है? जल्दी बताओ। बाल मिठाई पसंद छू, बाल मिठाई पसंद छू, लड्डू पसंद छू, मोर दन पड़े के पसंद छू, बाल मिठाई बुला के, तो बुला, अरे बुलाओ, पहाड़ बुलाओ नहीं तो, हां मेके पहाड़ आनी, चलो भाई अपने गांव का नाम बताओ। चलो चलो चलो, जितने भी हमारे देख रहे हैं ना जनता, वो भी कहीं ना कहीं से होगी, तो चलो चलो सबसे पहले आप बताओ। हम सारे कवार, अच्छा ये पांचों कोदार, वो एक होती है,
कारचुले कारचुले पहाड़ा पुलाव है बहुत अच्छी बुला रही हूँ कल रिजल्ट आ रहा है पास फर्स्ट नहीं स्कूल कहाँ पर है चकोटिया कहाँ पे पहाड़ी में ज्यादा क्या पसंद है हम लोग निकले हैं चकोटिया के लिए मार्केट में और देखो कितना सुंदर नज़ारा है बहुत ही अच्छा वेदर है और मैं सब लोग से बाहर क्योंकि मुझे आपको दिखाना था ये सब कुछ। सो गाइज मैं अभी आया हूँ एप्पल स्टोर पर बिकॉज आपको पता है हमारी टीम का एक्सपेंशन हुआ है तो एक मैकबुक कम पड़ रहा था वही लेने आया वो अच्छा खासा खर्चा हो गया बट ठीक है काम में तो इन्वेस्ट होना ज़रूरी है। ये वाला कलर अभी लेटेस्ट आया है ब्लैक वाला इस कलर के काफ़ी सारे अपने पास यही ले लेता हूँ पूनम दीदी के पास है सेम और M3 प्रो लेने वाला हूँ मैं। इस स्टोर से इतने सारे प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ कि इनको मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का कंसीडर करना चाहिए। कैसी है आज तो बारिश पड़ गई बाहर देखी तूने बाहर बारिश पड़ रही है यहाँ जेपी में तूफान आया था अरे अभी गेट पर जब मैं अंदर आ रहा था सारे पेड़ वेड़ सब ऐसे उखड़े उखड़े पड़े हुए थे ये कौन सा टाइम है बारिश का मन नहीं लग रहा है घर पे है ना अजीब सा लग रहा है ना मैं मान गया यार कि घर ना है ही नहीं तो बिना लगता ही नहीं बढ़िया अच्छा नहीं लग रहा सब कुछ है लाइट है पंखा है एसी है शांति है पर नहीं तू नहीं है। गाइस देखो आज मुझे बीजेपी प्रेसिडेंट जो है ना दिल्ली के उन्होंने राम जी की मूर्ति गिफ्ट दी ऑलमोस्ट सबको पता है कि मेरे लिए सबसे प्रीशियस गिफ्ट क्या है हर जगह मेरे को राम जी दिए जाते हैं मेरे लिए सच में मैं आज भी जब वो ले रहा था मैं इमोशनल हो गया था उस टाइम पे बहुत प्यार है यार मेरे को सच्ची बता रहा हूँ बहुत प्यार है मेरे को और एक चीज़ जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई मेरा सपना है कि ना मैं अयोध्या में भंडारा कराऊँ एक बार नहीं ऐसा कराऊँ कि डेली हुआ करे वहाँ पे राम मंदिर के आसपास जितने भी लोग हैं ना सबके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ्री में खाना और कंटिन्यूस प्रोसेस ये नहीं कि एक दिन या हफ्ते में दो दिन ऐसे नहीं चलता ही रहे बस काबिल बनना है यार मेरे को और करना है। तो ये मेरी फेवरेट अम्मा है इनके साथ मेरी बचपन की बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैं बाद में शेयर करूँगी अब ये देख भी नहीं सकती हैं ऑलमोस्ट 100 की हो चुकी हैं और इनको देख कर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। इन्हें ब्याह कर रहे साल क्यों हुई हाँ। आ, क्या साल की ना ना साल की हो गई कितने साल की हो गए 80 साल की तो गाइस मैं मार्केट से आई हूँ और मुझे पता चला है कि मम्मी जा चुकी हैं किसी के घर पर मम्मी जा चुकी हैं मेरी नानी मेरी दादी के घर पर जो मेरी दादी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती तो हम वहीं पर जा रहे हैं। रात के टाइम जाने में डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बाघ बहुत घूम रहे राजू भैया अगर आपको बाघ नहीं काटिए आप क्या करेंगे वो हाय हाय बोलने का मौका ही नहीं देगा वो आपको पता है आपको हाय हाय करके वो ऐसा पंजा देगा तो भाग मत अंधेरा हो रहा है तो मिठाइयाँ बट रही हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा मम्मी कहाँ निकल जा रही हैं बाघ का कोई खौफ नहीं है वैसे बाघ यहाँ पे बोल रहा है घूम रहे हैं वही तो हम जा रहे हैं मिठाई बांटने वही तो हम आ गए हैं अपनी ताई जी के घर पर ताई जी कच्चा क्या काम नहीं हो रहा बताओ बाबू से नहीं मिला अब हम आए अपनी ताई जी के घर पर ओहो बाबू मेरे बाबू कैसे हो ताई जी बढ़िया बेटा ठीक हो सब ठीक ठाक बैठो साग कटम छा साग कट रहा है दूसरी तरफ ये गाय है उनको बछड़ा है और
सर ये साइड में बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, इस साइड में। इसके यहाँ पर बगल में क्या बता, इसके जस्ट बगल में दीवार पार करते, देखना नहीं बिना देखे बता। नदी नहीं यार, ऊपर से पानी आता थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सब सूख गया है? सूखा नहीं है, पानी होगा इसमें हल्का फुल्का है। हमारे टाइम में बहुत पानी था ना, इसमें पानी तेज आता था। अब हम भौजी के मुखड़ पे जामो। तू कहां से, तेरी कहां से भौजी हुई रे? तू ताई जी कह दे यार। आलिया आलिया आलिया, तो मन भुला है हम आए। ओहो, चूल्हे पे क्या बन रहा है? क्यों? नमस्ते। मैं चल रहा हो बनाती नहीं है। अच्छा, अल्लाह है क्या? यहाँ पर बन रही है सब्जी, देखो देखो, और मैं बोलते चप्पल को सब्जी बना दो, आप बना दो, करछी तो दो फिर। अम्मा चाहती है कि मैं ही बनाऊं, तो मैं नीतू। मम्मी मैं पच्छू यार। अरे नीतू, अरे तुम साग खराब बता ले यार। मम्मी अरे नहीं होगा यार, अब मैं खाना बनाती हूँ। मम्मी तो कलर तो ले आई तो ऐसे यार। देखा मम्मी ना, विश्वास ही नहीं। जो माए होती है ना बेटियों में, विश्वास नहीं करती कि वो खाना बना लेंगी। सच में यार, गलत बात। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ पानी। बस ज्यादा नहीं, सैंडी मुझे हेल्प करा रहा है। क्या बोलो? देना मानी ना तो थी तो क्या क्या थी? चुरमन भी डाल दी थी। अच्छा, क्यों? पानी पूरा तो नहीं डालना? ना, ठीक है चलो इसी को पका देते हैं। तो नमक मिर्ची मसाले कम हो गए, मुझे लगा ऐसे सूखे आलू बन रहे हैं भाई। और डाल देना भी। ठीक है, बहुत परेशान हो गए। अरे अम्मा भी सब्जी बना रहे थे, सब्जी बना रहे थे हमारे लिए। अंदर से पापड़ तल के आए, पता नहीं कब तल लिए इन्होंने। खाना बनाते बनाते मैं खाई पापड़। मोनी अब देखो, हर साल रही नहीं, उम्र झड़ रही नहीं। चल अब मैं खाली पापड़। हाँ, यह मिला है गाय का दूध, ये अच्छा है। हर घर में जाओ, एक ग्लास गाय का दूध अपने आप आ जाता है, मांगना नहीं पड़ता। तो ये अच्छा है, उसको दूध बहुत पसंद है, वो हर जगह जा जाके गाय का दूध पीता है, भैंस का दूध पीता है। कल मिलते हैं हम लोग, आ गए घर पर वापस और काफी सारे लोगों से मिले, बहुत दिल को बहुत सुकून मिला। और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट से बता दो, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। उत्तराखंड की ब्लॉगिंग अभी चालू रहेगी, ठीक है ना? तो ये मत सोचना हमारी ब्लॉगिंग खत्म हो गई है। हाँ, अभी चालू रहेगी, हम लोग अभी यहीं पर है। आपको कैसा लग रहा है बताना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।